हेलो गाइस, मास्टर वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। लेटेस्ट में बताना चाहूंगा, बहुत बड़ी अपडेट आया है, अच्छी खबर। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना, पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहले हम आएंगे टेलीग्राम पे, यहाँ पे देखेंगे और एक गुड न्यूज़ आया है, वो चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा। दो तीन अच्छी न्यूज़ है और एक बैड भी न्यूज़ है, वो चीज़ मैं बताना चाहूँगा। दिल का जो है पूरा जो लग रहा है कंडीशन की नहीं, क्या होगा क्या नहीं, मतलब कभी आगे जाता है दिल, कभी पीछे जाता है, क्या होगा स्कीम होगा क्या होगा, सारे चीज़ क्लियर कर दूंगा। तो मेरे भाई यहाँ पे देखा जाए तो वीएलडी में इसमें कोई ख़ास अपडेट नहीं आया है। और चलिए हम चलते हैं आपको ट्विटर पे। ट्विटर पे गुड न्यूज़ ये है कि भाई बहुत अच्छी खबर आया है, उन्होंने ट्वीट करके बोला भी है, और वो चीज़ देखना बाकी है कि क्या चीज़ आया है। सबसे पहले जोकर को लेकर आया है। जोकर ऐप जो है पूरा कंप्लीटेड हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये अभी जो है लॉन्च होने पे कगार पे है। अगर चाहे तो आप प्ले स्टोर से जाकर इसका इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्सचेंज ऑन है, जोकर है, फिजिकल कार्ड है, बहुत तरह का है, गोट एआई है, जो जो ऐप अगर जो रेडी है उसको इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें आईडी पासवर्ड बना लीजिए। और इनका जो कहना है कि जोकर बहुत जल्द मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ। दूसरा लेटेस्ट में और भी इसका आया है नोटिफिकेशन, मैं दिखाना चाहूँगा। विल ऑफ डेथ में चलते हैं, यहाँ पे आज कल के डेट में बंद रहेगा, तो भाई कभी भी बंद देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं। ऑलरेडी लिखा है कि यूएई में नेशनल डे चल रहा है, उसकी छुट्टी है दो तीन दिन, ठीक है। तो यूएई में ये चीज़ चल रहा है, मैं सुबह में बताया था, तो इसको देख के लोगों का दिल जो है अलग धड़क रहा है, क्योंकि अब बोल रहे हैं कि सिस्टम भाग गया, स्कैम कर गया। ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हो गया है, तो ये आप बात समझिए। और दूसरी एक और गुड न्यूज़ अभी अभी आया है जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि देखिए कहा रहा है कि ऐप जो है प्ले स्टोर पर डाउनलोड आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका रेफरल कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसको जो है इसमें आईडी पासवर्ड बना सकते हैं, और जितना चाहे उतने टीम बना भी सकते हैं। तो भैया ये अब जो है प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो चुका है, जिनको भी ये काम करना है कर सकते हैं। बेटर है कि ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि चलिए जो प्ले स्टोर पे आ गया, बहुत सारा अब ऐप अभी लाइव नहीं किया गया है, बहुत सारा पेंडिंग में है, बहुत सारा वर्क के जिनका इंतज़ार कर रहे हैं अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है, जो यहाँ पर कंडीशन है। अब आपको मैं खुलेआम बात कह देना चाहता हूँ कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अभी जो सोच रहे हैं कि ये बिलॉब डैप भाग गया, स्कैम कर गया, लोगों को लूट कर चला गया। देखिए भाई, सोच नज़रिया से दो होता है। एक मैं एक बात एक उदाहरण देना चाहता हूँ, अगर समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। जैसे कि कोई बच्चा मान लीजिए कि कोई सामान खरीदता है, ठीक है, कोई बच्चा मान लीजिए किसी दुकान पर जाकर सामान खरीदता है, ठीक है, तो दुकानदार तो नहीं भागता भाई, दुकान सीमित समय है, वो जाने वाला में से नहीं है। बच्चा वहाँ से दुकान से सामान खरीद के ले आएगा, जब जो ज़रूरत है लेके आएगा। मगर कुछ जो फेरी वाले लोग आते हैं, जैसे कि उनका होता है कि घूम के सामान बेचना, वो बेचेंगे और सामान बेच के वो चले जाएंगे, फिर दोबारा जल्द नहीं आएंगे, हो सकता है बहुत बाद में आए, ठीक है। वही चीज़ है एयर ड्रॉप। एयर ड्रॉप फेरी वाला समझिए और अस्थाई वाला समझिए, जो आपका जेन्युइन कॉइन होता है, जो हर जगह लिस्टिंग होता है, क्योंकि उसको जाना नहीं है। जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, यूएसडीटी, सारे जो कॉइन है ना, इसको कहीं जाना नहीं है। ये अपना अस्थिर पगडंडा गाड़ दिया है कि ना इधर से उधर जाएंगे, एकदम सीमित में है। मगर एयर ड्रॉप की कहानी ऐसा है कि फेरी वाला समझिए कि कुछ लोग आए, एयर ड्रॉप दिए, जो जिसके भाग में मिला और ले लिए, डिस्ट्रीब्यूट किए और चल दिए, क्योंकि उनको आना नहीं है, हो सकता है दूसरे गांव जाए, कहीं और जाए, जगह बदल जाएगा। तो यहाँ पे बात समझाने का मेरा मकसद ये है कि ये जो है फेरी वाला के हिसाब से ही ये बुझे कि एयर ड्रॉप है, मिलेगा, किसके नसीब में क्या मिलेगा ये कुछ नहीं पता। स्क्रीन शॉट चाहे कुछ भी आप कहिए, शेयर करिए, चाहे कुछ भी करिए, जब तक ये लाइव होगा नहीं, तब तक किसी को हकीकत पता नहीं चलेगा कि होने वाला क्या है। और आज मैं आपको हकीकत बता देना चाहता हूँ, अभी भी लोग कह रहे हैं कि बिलॉब डैम भाग गया,
बिलोंग ड्राइव स्कैम कर गया, लूट गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्कैम किया है तो भाई ये तो फ्री में था, इसमें तो पैसा नहीं लग रहा था ना, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट था, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा था। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि जितना हम लोग थोड़ा टाइम गंवाए हैं, इसके पीछे मेहनत किए हैं, उसी का इंतज़ार हम कर रहे थे कि हमारा कब फल मिलेगा। भैया कभी भी किसी के बात में डाउट मत कीजिए कि नहीं खुलेगा, खुलेगा, उसका छुट्टी बीत जाएगा, 100% लाइव हो जाएगा, उस पर टीम काम कर रहा है। मैं ये बात जानता हूँ कि देखिए इसका ऐसा होता तो भाई पहले ही ये सब टिगड़ मिगड़ करके नहीं भाग जाता, मगर अभी तो डेवलपर ने सारा चीज़ को लॉन्च कर दिया, तो उसमें तो भाई पैसा लगा होगा, जाहिर सी बात है पैसा तो लगा होगा। तो जो पैसा आदमी लगाया है कमाने के लिए लगाया है, गंवाने के लिए थोड़ी ना लगाया है। तो इतनी बात याद रखिए मेरे भाई, ये भागने वाला में से नहीं है, अभी रहेगा, टिकेगा, सामने लाइव आएगा, उसके बाद देखेंगे क्या करता है सिस्टम। और 100% है कि दूसरा लोग तो जरूर भाई कहेंगे कि देखिए इसमें बहुत लोग होते हैं, कुछ लोग किसी के पीछे ताना मारते हैं, कुछ लोग अच्छाई भी कहते हैं, कुछ लोग बुरा भी कहते हैं, क्योंकि इंसान का माइंड एक जैसे नहीं होता है, जिस तरह की आपकी हाथ की उंगली है, अगर ये इक्वल हो जाएगा तो क्या आपको देखने में सही लगेगा ऊपर वाले ने कैसे बनाया है, गजब का दिमाग लगाया है। कि अगर हम इक्वल इशू कर देते हैं तभी भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा, जो इसका ऊंचाई निचाई की खूबसूरती है। ये बात समझिए, उसी तरह दिमाग का भी किसी का भी एक जैसे नहीं रह सकता है, अगर एक जैसे रहेगा तो चलेगा ही नहीं। हर आदमी का अलग अलग सोच होता है, कोई प्लस पॉइंट में बात करता है, कोई निगेटिव में बात करता है, कोई कहेगा कि भाग गया, कोई कहेगा स्कैम कर गया। मगर एक बात मैं कहना चाहूँगा, याद कान खोल के सुन लीजिए कि कोई भी एयर ड्रॉप सिस्टम में कोई चीज़ बाय नहीं करना चाहिए, ये मैं बता रहा हूँ, कोई चीज़ बाय नहीं करना चाहिए। गैस फीस लग रहा है तो भाई हमको मिलेगा तब हम देंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं देंगे। और किसी भी लीडर के बहकावे में आके ऐसी भी गलत काम नहीं करना है कि वो कहे तो हम गैस फीस खरीद लिए, चाहे ये खरीद लिए, चाहे उससे टोकन खरीद लिए, ऐसा कोई काम मत कीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। यहाँ पे पैसा लेना होता है, देना नहीं होता है। और इसमें आप गलत काम अगर किसी की लीडर के बहकावे में करते हैं या किसी के बढ़ाने चढ़ाने पर तो ऐसा मत कीजिए। अगर यही काम जेन्युइन तरीका से करना है तो भैया जाइए, अभी भी ऐसा ऐसा क्वाइन पड़ा है जैसे शिबा इनू, उसका टारगेट देखिएगा ना तो कहिए कि वाह क्या बात है, लोगों ने पैसा यार बहुत बनाया, ऐसी बात नहीं है, मगर फ्यूचर प्लानिंग है। अगर आज हम कहेंगे कि आज ही खरीद के आज ही करोड़पति बन जाएंगे तो भाई आप ही चलाते, दुनिया के तो और भी लोग हैं। तो ये लंबा टूर वाला है, खरीदना है तो ऐसे जेन्युइन तरीके से क्वाइन खरीदिए जहाँ पे पैसा ही पैसा बनेगा। और ये भागा नहीं है, सिस्टम आएगा, वेट कीजिए भाई, थोड़ा देर है, अंधेर नहीं, उजाला तो जरूर मिलेगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता था, अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना, पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।